हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक न्यू प्रोडक्ट की रिव्यू लेके आई हूँ और वो है ये फिलिप्स की हेयर स्ट्रेटनर। तो ये एक कैराशाइन हेयर स्ट्रेटनर है। तो इसे मैंने एक महीना हुआ है यूज़ कर रही हूँ मैं। तो इसका मैं फुल रिव्यू देने वाली हूँ और उसके साथ एक डेमो भी दिखाने वाली हूँ कि ये स्ट्रेटनर कैसे काम करता है। तो ये स्ट्रेटनर काफ़ी अच्छा है और बहुत जल्दी से काम भी करता है। तो चलिए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो ये है फिलिप्स की कैराशाइन हेयर स्ट्रेटनर और ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग के साथ आती है, इस तरह की एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग के साथ। फिलिप्स की कैराशाइन स्ट्रेटनर है और इसकी जो मॉडल नंबर है वो है HP8318 और इसे मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है। तो इसे मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है एक महीने पहले और इसकी जो कॉस्ट है वो है 3995, यानी कि लगभग 4000 रुपये। और यहाँ पर डिटेल्स लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि ये कैराटिन प्लेट्स है जो कि कैराटिन इन्फ्यूज्ड है, जो कि आपके हेयर को बहुत ही सिल्की एंड शाइनी इफेक्ट देती है। तो चलिए पहले इसको अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं। तो इसके साथ ऐसी एक यूज़र मैनुअल आती है जिसके साथ वारंटी कार्ड भी है यहाँ पर ऐसे। इसकी जो वारंटी है ये 2 साल की वारंटी के साथ आती है। तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रेटनर है, हेयर स्ट्रेटनर। तो ये पर्पल कलर में आती है और यहाँ पर इसका जो लॉक अनलॉक बटन है, इसको आप ऐसे करके इसे ओपन कर सकते हैं, सेम वे में इसे बंद भी कर सकते हैं। और ये रहा इसकी वायर, इसकी वायर भी काफ़ी बड़ी है और थिक भी है, तो जल्दी ये ख़राब भी नहीं होगी। तो आप इसे काफ़ी बड़े एरिया में लगा कर भी हेयर को स्ट्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो प्लेट्स है ये सब, ये एक कैरामिक प्लेट्स बैठी हुई है, काफ़ी वाइड है। तो आप अगर जब इस आप इसको जब यूज़ करेंगे तो काफ़ी वाइड एरिया रहेगी आपके हेयर को स्ट्रेट करने के लिए। तो जितनी स्ट्रेटनर वाइड होगी तो आपकी हेयर को स्ट्रेट करने में उतनी ही आसानी होगी, क्योंकि इसकी प्रेशर लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, प्लेट्स वाइड होती है। तो ये जो प्लेट्स है ये कैराटिन इन्फ्यूज्ड प्लेट्स है, जो आप जब इसको यूज़ करेंगे अपने बालों पर तो ये आपके बालों पर एक सिल्की इफ़ेक्ट देगी। और इसके बाद यहाँ पर 2 टेम्परेचर सेटिंग्स भी है। तो ये जो लास्ट वाला बटन है इससे ऑन ऑफ होती है। तो ये मीडियम वाला जो बटन है ये 110 डिग्री सेंटीग्रेड में ये टेम्परेचर सेट होती है। और उसके बाद जो ये हाई है, मीडियम से हाई, और इसका जो हाई बटन है वो 240 पर सेट होती है हाई टेम्परेचर। तो आप अगर यूज़ करेंगे, अगर आपकी बाल थोड़ी सी स्ट्रेट टाइप की है, जैसे मेरी उतनी कर्ली हेयर नहीं है, वे भी है, तो मैं इसे मीडियम पर सेट करके भी कर सकती हूँ। और अगर आपकी हेयर थोड़ी सी थिक है और ज़्यादा कर्ली है तो आप इसे हाई पर सेट करके कीजिएगा, तो अच्छे से ये एक बार में ही स्ट्रेट हो जाएगी। तो ये रहा ऑन ऑफ बटन, इसे मीडियम पर ऐसे सेट करना है और ये इसे हाई पर ऐसे सेट करना है। तो ये जो हेयर स्ट्रेटनर है इसे मैंने एक महीने से यूज़ किया है, काफ़ी अच्छी स्ट्रेटनर है। इससे पहले भी मैंने फ़िलिप्स का और भी स्ट्रेटनर यूज़ किया था, जो जैसे कि एक फ़िलिप्स का मल्टी स्टाइलर है, उसे भी मैंने यूज़ किया है। तो उसका भी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, तो आप चाहे तो उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो ये जो स्ट्रेटनर है फ़िलिप्स का, ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटनर है और ये एक ही बार में आपके हेयर को बहुत ही अच्छा सा स्ट्रेट लुक देती है, जैसे कि एक बार में ही बहुत अच्छा, एक स्ट्रोक में ही बहुत अच्छा यह स्ट्रेट कर देती है। तो इसे यूज़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली भी है। जैसे पहले जो स्ट्रेटनर मैंने यूज़ किया था काफ़ी टाइम लगता था यूज़ करने में, बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लेके ये यूज़ करना पड़ता था, लेकिन ये काफ़ी इंस्टेंटली आपके हेयर को स्ट्रेट करती है। और एक बात, जब भी आप इसे यूज़ करेंगे तो आप
आपको अपने हेयर पर बहुत सारा हेयर सीरम यूज़ करना पड़े। अगर आप ठीक से हेयर सीरम को यूज़ नहीं करेंगे तो ये इसका जो स्ट्रेटनिंग इफेक्ट है अच्छे से नहीं आएगी। तो स्ट्रेट करने से पहले आप अपने बालों को थोड़ा सा गीला भी कर ले, मतलब थोड़ा सा वाटर से स्प्रे कर ले। उसके बाद सीरम लगाने के बाद अगर आप इसे स्ट्रेट करेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा और इसकी जो स्ट्रेटनिंग इफेक्ट है वो दो दिन तक चल जाएगी। अगर आप अपने बालों को वॉश नहीं करेंगे तो ये दो दिन तक स्टे करती है इसकी इफेक्ट। लेकिन अगर आप इसकी स्टेइंग इफेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो आप सिंपली इस पर सेटिंग स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। हेयर को सेट करने के बाद आप अपने बालों पर सेटिंग स्प्रे का यूज़ कीजिए तो ये दो दिन से ज़्यादा आपकी हेयर को स्ट्रेट रखेगी। स्ट्रेटनर मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी स्ट्रेटनर है ये। मेरे जितने भी हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर फिलिप्स की ही है और काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है, आप इसे ज़रूर ले सकते हैं। तो ये था फिलिप केरासाइन स्ट्रेटनर की रिव्यू। ये रिव्यू आपको कैसी लगी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और उसके साथ आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की रिव्यू वीडियोज़ लाती रहती हूँ।